आइए इस वक्त वचन पढ़ेंगे। वचन से जो संसार दो का नौ पढ़ेंगे। मेरा प्रेमी चिकारी या जवान हिरण के समान है, देखो वो हमारे दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है। हालेलुया। एक मिनट हम अपने आप को बंद करके प्रार्थना करें। खुदा हमारी दया का परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम से बातें करके विनती करते हैं पापा, आपके नाम आपके आत्मा हम से बातें करना, आपके आवाज हम पहचानते हम रूपांतरणा दिन ब दिन रूपांतरणा आशीष के करें यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर आखिरी दो लाइन में लिखा है वो दीवार से हमें देख रहा है और खिड़की से पढ़ो, देखो वो हमारे दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और जंजीर में से देख रहा है। जंजीर में से देख रहा है, यहाँ पर लिखा है हमारे दीवार के पीछे यीशु खड़ा दूरी को दिखाई दे रहा है, दीवार के पीछे खड़ा है। दूसरा चीज खिड़की से वो क्या कर रहा है, ताक रहा है और जंजीर में से देख रहा है। तो मुझे पास में लिखा खिड़की से उनका चेहरा दिखाई देती है और दीवार के बाहर में खड़ा है और खिड़की में देख रहा है और जंजीरों से उसका मुंह दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा अनुभव है ये। हम लोग को कौन बोल रहा है, दुलीन बोल रहा है। दुलीन को प्रभु अपना दीवार तक आ गया पता चल रहा है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। बहुत से मसीह है मन में यही सोचकर दुनियादारी में जी रहा है ताकि प्रभु आने का और भी देर लगेगा और भी बहुत दूर में है। हमें प्रभु आने का और भी देर लगेगा, प्रभु बहुत दूर में है, केवल दुलीन को पता चलेगा वो दूर में नहीं है, बिल्कुल करीब में दीवार के पास खड़ा है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। वो हमको ठाक रहा है, अपना चेहरा को दिखा रहा है, कभी भी अंदर आ सकता है। हमें प्रभु पहले बोला है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 का आप देखते पढ़ते समय वहां पर कष्टों कन्यों का बारे में, कन्या का बारे में, कुमारी के बारे में, दुलीन के बारे में वहां पर वर्णन आ रहा है। उसे पांच लोग मूर्ख है, पांच लोग समझदारी है, पांच लोग मूर्ख है, पांच लोग समझदारी है। तो यहां पर देख सकते क्या है, ये 10 के 10 सो गया, क्योंकि वहां पर लिखा है दूल्हा आने में देर हुआ। पढ़ो, दूल्हा आने में, जब दूल्हे के आने में देर हुई, दूल्हा आने में देर हुई, वो पहले प्रभु बोला आने में क्या होगा, देर होगा। इसे तकरीबन क्या है 2000 साल। हालेलुया। जब आदम से लेकर जन पड़ने तक तकरीबन 2000, डर पड़ने के बाद यीशु मसीह आने तक तकरीबन 2000 साल, यीशु मसीह आने के बाद उसका दूसरा आगमन तक तकरीबन 2000 साल। ये हमारे जीवन में, इसलिए प्रभु जो बोला है 2 दिन के बाद आएंगे, तीसरा दिन क्या करेंगे उसका अपना सब उठा लेंगे। तो ध्यान दीजिए प्रभु के लिए यहां एक दिन एक ऐसा साल के बराबर है, इसके स्टडी में ऑलरेडी दे चुका हूं। तो 2 दिन तो हो गया, 2000 साल हो गया, अभी कौन सा दिन चल रहा है, तीसरा दिन चल रहा है। केवल दुलीन लोग ये जानकर अपना जिंदगी को तैयारी रखता है, बाकी लोग तैयारी नहीं रखेगा। यीशु के बारे में अच्छी तरह जानता है, वचन को जानता है, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का बाकी हो गया है, सब कुछ जानता, सुन रहा, सब कुछ जानकर ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु का आगमन में जुट जाएगा। प्रभु का आगमन में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, उनका जानता नहीं था क्या, अच्छी तरह जानता प्रभु का आगमन के बारे में, अच्छा सा भजन जानता, जानकर भी उन्हें क्या था, तैयारी नहीं हुआ था। ये 5 कुमारी क्या था, तैयारी
खरीदा, जो तैयार था वो 5 रुपए क्या हो गया, दूल्हा के साथ अंदर चल गया, दरवाजा खुल गया, दूल्हा के साथ 5 कुमारियां अंदर चल गया, दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद 5 कुमारियां आकर खटखटा रहा है, प्रभु क्या बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज प्रभाव है ये सारे दृष्टांत, मैं विश्वास करता हूं इस पीढ़ी पर होने वाला है, इस पीढ़ी पर होने वाला है। शैतान हमेशा दिमाग में क्या पड़ेगा मन में, अरे कोई बात नहीं चलेगा, प्रभु इतना जल्दी नहीं आएगा, और थोड़ा देर होगा, उसके पहले हम लोग क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, माफी मांग लेंगे, मेल हो जाएंगे। ये शैतान बरमाने वाला शैतान की आवाज है, ये बहुत तो नहीं समझते। शैतान का बहुत बड़ा हत्या किया मन में, डिले करना, क्या करना, देरी करना, कैसे देरी करेगा, अरे आज नहीं अगला बार चर्च में जाएंगे, 32वां इस पर नहीं अगला बार लेंगे, पाप के क्षमा अभी नहीं, और थोड़ा दिन लगेगा, इतना जल्दी नहीं आएगा, उसके पहले हम क्या करेंगे, मन फिर लेंगे। इसी तरह बहुत लोग जिंदगी मुझे मालूम है, उन लोगों का करीब का जिंदगी मुझे मालूम है, वो लोग धीरे धीरे सैतन क्या करते हैं, उनका डिले कर दिया। एक बहुत अच्छा बिंदमस्ते परिवार मेरे साथ काम करता था वो आदमी, तो धीरे धीरे नशा करना शुरू कर दिया। हम उनको बहुत समझाया नशा मत कीजिए, क्या हो जाएगा, अचानक थोड़ा आएगा छूट जाएगा। वो क्या बोला, इतना जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और टाइम लगेगा, उसके पहले हम सुधर जाएगा। लेकिन उसको मौका नहीं मिला, और क्या करते, वो बोला अरे अभी तो जवान है, अब हम जो कुछ करना है ऊपर करेंगे, जो देखना देखेंगे, जो सुनना सब कुछ करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद एक साथ में क्या करेंगे, क्षमा मांग के 32वां दे देंगे। प्रभाव में उन लोगों को मौका नहीं मिला, कितना लोग मेरा अपने ढंग में इस बार नहीं अगला बार 32वां लेंगे अगला बार, लेकिन उसको मौका नहीं मिला, बहुत हो गया जवान लोग मालूम है मुझे, सैतन उनको दोबारा मौका नहीं मिला दिया अगला 32वां लेने के लिए। ऐसे बदल में मेरा जो विलिंगटन में हम ड्यूटी कर रहा था, वहां पर मैं एक सिस्टर को सुसमाचार बता कर उनका क्या कर दिया, मछली में लाया, चर्च में लेकर गया 32वां के लिए सोमवार, आखिर में बोल दिया ठीक है इस पर नहीं अगला बार 32वां लेंगे, ठीक है छोड़ दिया। 10 दिन का छुट्टी में आया, 10 दिन का छुट्टी खत्म करके जब दोबारा छुट्टी में जाने हुआ था, मेरे को सुनने मिला वो नहीं है, प्रभाव है देरी करने में एक किस्म का अन्ना क्या करिए, आज सुना आज मन करना, आज सुना आज निर्णय लेना, आज भजन से प्रभु की आत्मा आपसे बात किया, आज इसी वक्त भी निर्णय ले लेना। यह स्वभाव किसके पास रहेगा, केवल जिसको जिसको प्रभु दुलीन का अनुभव में चुना केवल उन्हीं लोग अंदर रहेगा। हालेलुया, बाकी लोग क्या बोलेंगे, ठीक है बाप में कर लेंगे, बाप में मन कर लेंगे, अगला बार अगला दिन। लेकिन अच्छा तक एक दिन आएगा थोड़ी फूट जाएगा। अभी इतना लोग बहुत से ज्यादा लोग इस कारण से प्रभु का आगमन में छूट जाएगा, इसे आज मैं तैयार रहना। दुलीप के नजर में यह दिखाई पड़ रहा है मेरा दुलाप दिमाग के पास आ गया, ताली बजा के प्रभु के नाम को कितना महसूस कर रहे हैं प्रभु का आगमन, वो फिर भी कृपा कर रहा है, एक एक आदमी बच जाने के लिए, एक एक आदमी बच जाने के लिए, 1,00,000 में प्रभु दया किया, तकरीबन 600 लोग 32वां लिया। तो इसी तरह प्रभु क्या करता है, देर इसलिए करता है, लेकिन अचानक एक दिन क्या हो जाएगा, तुरंत फूट जाएगा, जो उनके लिए तैयार है केवल वो लोग स्वर्ग में जाएंगे, बाकी क्या हो जाएगा, छाती पीट पीट कर रोएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर वो अनुभव रहता मेरा दूल्हा दूर में नहीं है, वो मेरा दीवार के पास आ गया, ताली बजा के कितना सच में महसूस करते हैं, मेरा यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है। हालेलुया, कब होगा नहीं जानते, बाइबल बताता है उसका आगमन जब होगा, बोले से जैसे
कोई भी अन्याय तरीके से मत दीजिए। खास तौर पर ये नया नियम का 27 किताब आपके जीवन बढ़ते रहेगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को क्या करना है, अपने जीवन को हर वक्त क्या करना है, संभालिएगा अपने जिंदगी का हर वक्त संभालिए अपना जीवन का। अपनी कभी भी मत करिए बिल्कुल कहाँ पर यीशु दीवार के बाद दुनिया का अनुभव है। अभी दिवाली धीरे धीरे बढ़ रहा है, पिछला वचन में देखा वो दुल्हा का आवाज सुन रहा था, अभी दुल्हा का आवाज दुल्हा का समझ लिया और दुल्हा कहाँ गया दीवार के पास और कहाँ गया खिड़की में। यीशु मसीह का खिड़की का नजर के सामने ही है। आप कितना बंद दरवाजा में कुछ भी कीजिए आपका कुछ भी गुप्त नहीं है, प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। अली पिता के प्रभु के नाम में महिमा है। अली अली में क्या लिखा है, यीशु मसीह देख रहा है। इसे तो प्रभु सिंपा के 3:15 में लिखा है, मैं तेरा कामों को जानता हूँ, मैं तेरा कामों को जानता हूँ। आप सच में प्रभु हमारा काम को जानता है, उनका छुपा कर आप कुछ भी कर नहीं सकता, कुछ भी देख नहीं सकता, कुछ भी सुन नहीं सकता, कुछ भी सोच भी नहीं सकता। कितना विश्वास करते हैं, पढ़ो। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। बस प्रेजला आप अपना जीवन का समझे, प्रभु का छुपा का कुछ नहीं कर सकता। पास्टर को गुणवत्त बढ़ा सकते, पास्टर को छुपा सकते, विश्वासियों का छुपा छुपा सकते, पति को छुपा सकते, पत्नी को छुपा सकते, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह को कोई छुपा नहीं सकता। छुपा सकता अपना जो भी जिंदगी उनके सामने खुला खुला नजर देता है, कुछ भी उनके सामने छुपा नहीं है, टॉप टू बॉटम वो जानता। फिर भी आज तक प्रभु हमारा कोई भी कमी कड़ी को किसी के सामने भी बताया। अभी सोचिए मेरा बारे में सारी गुप्त बात को मेरा पत्नी को प्रभु बोल देगा तो क्या होगा, सब अपना अपना सोचिए। मेरा सारी गुप्त बात को मेरा पति के पास बोल दिया तो क्या होगा, थोड़ा कल्पना कीजिए। मेरा सारी गुप्त बातों को दूसरा विश्वासी के सामने प्रभु बोल दिया तो कैसा होगा, अच्छा रहेगा, बहुत सरल रहेगा। लेकिन प्रभु सब कुछ जान के अपना लघु से आपको छुपा दिया, अभी तक आपको निंदा नहीं किया, अभी तक आपको अपमान नहीं किया। हमारे जीवन में कितना कमी कितना गिरावट कितना गंदगी कितना गुप्त पाप होने का वजह से भी वो अपना उदार की सादस्य में बोल कर छुपा कर रखा। वो कितना महान भारत परमेश्वर वो हमें देख रहा है। दुनिया का दूसरा अनुभव क्या है, वो जिंदगी के साथ जिएगा। 24 यीशु मुझे देख रहा है। सुनिए यीशु के सामने रहेगा कभी आप गलत करेगा, आप यीशु के सामने रहेगा कोई गलत करेगा नहीं कर सकता। पत्नी को मारेगा नहीं मर सकता, गाली कस देगा नशा कर देगा, यीशु बगल में है सिनेमा देखेगा कहता फोटो वीडियो देखेगा। फिर क्यों देखते हैं क्यों पाप करता है, उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं है प्रभु मुझे देख रहा है। ये केवल उन्हीं के जीवन में रहेगा जिसको प्रभु दुला के रूप में चुना है, केवल वो डरेगा हर वक्त 24 घंटे वो डरेगा मेरा यीशु मसीह मुझे देख रहा है। अमीन। कितना दुलीन बनना चाहते हैं, एक गले लगे हालेलुया। ये पूरा दुलीन गणवा तो पिछले दिनों से बोल रहे दुलीन क्या करता, यीशु का आवाज सुनता, दुलीन क्या करता यीशु को पहचानता, उसके आगमन को पहचानता, दिमाग तक आ गया। दुलीन का और अनुभव क्या था, दूल्हा खिड़की से मुझे देख रहा है। आमीन। और तीसरा और एक अनुभव क्या था, जो दूल्हा का चेहरा इनके दिखाई पड़ती है, क्रांति से उसको चेहरा दिखाई पड़ती है। एक अलग अनुभव है, ये अनुभव के अनुभव आगे बढ़ना है। दूल्हा के चेहरा में दिखाई पड़ना कितना वो चाहता है, दूल्हा के चेहरा दिखाई पड़ना अच्छा साधु। कभी कभी कोई लोग प्रार्थना के लिए आग बंद करता है, ऋतिक रोशन का चेहरा आता है, ऐश्वर्या राय का चेहरा आता है, कोई दुनिया का लड़का का चेहरा, कोई लड़की का चेहरा आता है। मैं आप लोग को बोल रहा नहीं, आप लोग बहुत अच्छा है, दूसरे दुलावा लोग है।
हालेलुया। लेकिन अब आपके भक्त प्रभु का उपस्थिति आना है, कितना छते में आंख बंदे करिए, मुझे मेरा दुलार दिखाई दे रहा है, प्रभु का उपस्थिति दिखाई देना है और प्रभु की महिमा को दिखाई देना है। केवल प्रार्थना का समय में केवल नहीं, 24 घंटे प्रभु के सामने जीना है। क्या करना है? हर दिन 24 घंटे सुबह भोर को उठा, आंख खोलने से पहले प्रभु को देखना। कितना ऐसा करता है आज में, आंख खोलने से पहले प्रभु को देखना, आंख खोलने से पहले प्रभु से बात करना, आंख खोलने से पहले प्रभु के धन्यवाद देना। पहले विद्रोह में प्रभु के साथ मिलना, प्रभु के साथ भेंट करना। हालेलुया। उसी दिन से सुबह भोर को उठा, मुंह की धोके, दृश्य होके, दृश्य होके, सोच होके, दृश्य होके, ताली बजा के, बाजा बजा के, मुंह खोके, कम से कम 1-1.5 घंटा कम से कम। क्या प्रभु बोला 1 घंटा तो मैं साथ जा नहीं सकता? सुबह भोर को उठे, दुनिया ऐसा नहीं बनेगा, तुमको संसार भी चाहिए, संसार की सारा महिमा चाहिए, संसार के आराम चाहिए। एक दिन दुनिया भी मर कर उनके बगल में जाकर सिंहासन पर बैठ जाएंगे, नहीं होगा। उसके लिए त्याग करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए। यीशु प्रार्थना किया, बहुत उठे, पूरे रात प्रार्थना किया। कभी साल में 1 दिन ऑनलाइन प्रेयर करते हैं, उसमें भी कुछ लोग चिल्लाता है, जल्दी खत्म करो। 1 दिन प्रभु के सामने बैठना नहीं चाहते, सामने 1 दिन ऑनलाइन प्रेयर में 1 दिन प्रभु के सामने पूरी रात बैठे। बोलो दुनिया का मौका कैसा पाएगा? यीशु पूरे रात प्रार्थना करता, दिन में आकर शैतान को भगाता, रोगियों का छिंगार करता, सुसमाचार प्रचार करता, आत्मा जीतता, सांप को प्रार्थना करता, एकांत में प्रार्थना करता, टूटा टेको प्रार्थना करता। आज धीरे धीरे कलीसिया बढ़ रहा है, आज बहुत से कलीसिया में घुटना टेकने का अवसर नहीं है, घुटना टेकने यहाँ इसके तो पूरा चेयर हटा देते, सिर्फ वही लोग चेयर पर बैठेगा जिसका कमर खराब हो गया, घुटना टेढ़ा हो गया, वो घुटना में नीचे बैठ नहीं सकता, बीमारी वाला है। बोलो यदि आपको घुटना में ताकत दिया यीशु जैसा घुटना टेक कर प्रार्थना कर, बात में घुटना टेकना चाहेगा तो भी नहीं होगा। हालेलुया। इसे प्रभु बोला, हाथ घुटना मेरे सामने क्या होगा? झुकेगा, हाथ चीज कहेगा वो महान परमेश्वर। हालेलुया। इसे दुनिया का अनुभव एक अलग है। हम आपको मसीह बनाना नहीं चाहते, क्रिश्चियन बनवाना नहीं चाहते, आपको प्रभु यीशु मसीह का दुनिया बनवाना चाहते। दुनिया को चेहरा दिखाई देता, भजन संगीत उसका 67 का 1 में देख सकते हैं, भजन संगीता उसका 67 का 1 में, आपका चेहरा मुझ पर प्रकाशित कर। जल्दी पढ़िएगा प्लीज, 67 हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, हमें आशीष दे, वह हम पर अपना मुख का प्रकाश, और हम पर सबरे, और हम पर अपना मुख का प्रकाश, अपना प्रभु का नाम को हालेलुया। प्रभु क्या करना है? अपना मुंह का प्रकाश को हमारे ऊपर क्या करना है? चमकाना है। वचन से कहने वाला बोल रहा है, क्या करो प्रभु? आपका मुंह का प्रकाश मुझ पर चमका। हालेलुया। उनका चाहत किया, हम अपना मुंह को चमकाने के लिए क्या क्या करते हैं ना, कितना पैसा खर्चा करते हैं, कितना ब्यूटी पार्लर जाकर कितना कितना समय बर्बाद करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग चमकाने का बदला में और बिगड़ जाते हैं। हालेलुया।
तो क्या क्या करते हैं, लेकिन ये नहीं क्या है, जो प्रभु उसका मुंह हमारे ऊपर चमका दे, हमारा मुंह ऑटोमेटिक चमक जाएगा। कितना विश्वास करते हैं? मूसा का मुंह चमका ही नहीं, कितना विश्वास करते हैं? मुख मूसा का मुंह आप मिला तो पढ़ सकते हैं, निर्गमन का किताब 34 का 29 और 30, निर्गमन का किताब उसका 34 का 29 और 30। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्ते हाथ में लिए हुए सिनो पर्वत से उतर रहा था, तब परमेश्वर के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे की परमेश्वर के साथ बातचीत करने के कारण उसका मुंह चेहरे से क्या उसके चेहरे से एक इंसान का मुंह से रोशनी निकल रहा है, उसका मुंह से रोशनी निकल रहा था, परंतु वह नहीं जानता था, वो कुछ नहीं जानता, मेरा मुंह से रोशनी निकल रहा है कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। जब हारून और सब इजराइली ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रहे हैं, हारून लोग देख रहा है उसका चेहरा से किरणें निकल रहा है, तब वे उसके पास जाने से डर गए, वो नजदीक में जाने से डर गया, उसके नीचे पड़ के मेरी जगह वो लोग बोलते मूसा ऐसा मत कर, मुंह कर थोड़ा मुंह में थोड़ा कपड़ा डाल कर हमसे बात कर। हालेलुया, पढ़ो। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ा ओढ़ना डाले रहा, ओढ़ना डाले रहा। ब्रदर, हालेलुया, सच में क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि तकरीबन 40 दिन रात वो उपवास के साथ प्रभु के साथ एकांत में 40 दिन कोई इंसान का मुंह नहीं देखा, इंसान का बात नहीं सुना, इंसान के साथ अलग रह गया, दुनिया से बिल्कुल अलग, एकांत में ऊंच अनुभव में। हालेलुया, पहले बेटा बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग भी चाहते मूसा की तरह मेरा भी मुंह चमकने लगे तो अच्छा हो जाएगा, ब्यूटी पार्लर का खर्चा करने वाला पैसा बच जाएगा। हालेलुया, सोचता कि नहीं सोचता? हालेलुया, मुंह चमकना है, कितना चाहते हैं मेरा मुंह चमकना है, मैं चाहता हूँ मेरा मुंह चमकना है, काला है फिर भी हम चाहते हैं मेरा मुंह चमकना है। हालेलुया, चमकने के लिए बहुत रास्ता है, डैनियल की तरह, डैनियल का किताब 1:15 में मेरे लिए एक निर्णय लिया, डेडिकेट किया, संसार का भोजन खाके संसार की नशा करके संसार का मूर्ति का चढ़ाव और चीजों का खाके मैं अपना को अशुद्ध ना करें। अब पढ़ो, 10 दिन के बाद उनका मुंह राजा के भोजन के खाने वालों सब 10 दिन के बाद दानियल का मुंह राजा का भोजन खाने वाला सब जवानों से सारे जवानों से अधिक अच्छा और अधिक अच्छा और चिकने दिखाई पड़े। क्या चिकने दिखाई पड़े? चिकनी चिकनी बने क्या मैं आपके बोलूं, आप प्रभु से कितना बैठेंगे, आप दिन ब दिन आपको मन घटेगा, कितना लोग मन घटाना चाहते। एक सिस्टर बोला वो यहाँ पर मीटिंग में बैठा हुआ ना बोले उनका मन कितना है, वो बोला है मेरा उम्र 35 है। ठीक है, आपका बेटी को मन कितना है? उसको मन 25 है। हम बोला है आप अपना उम्र क्यों कम बोलवाना चाहते? कोई भी सिंहासन देखो अपना उम्र बारे में बताता नहीं है। हालेलुया, कब बर्थडे बनाएंगे? 18 वाला नंबर बना कर ही हमेशा के 18 उम्र ही है, लेकिन आप प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ बच्चा बनेंगे, प्रभु का मुंह जितना ताकेंगे आप उम्र कम होते जाएगा। कितना विश्वास है? हालेलुया, ऑटोमेटिक आपका चेहरा क्या हो जाएगा? जवान होते जाएगा, आपकी जिंदगी जवान होते जाएगा, आपका मन जवान होते जाएगा, आपका जीवन जवान होते जाएगा। हालेलुया, प्रभु के पास, क्योंकि प्रभु अपना चेहरा को उन लोगों के जीवन में प्रकाशित करता है। वचन संहिता वाला लिखा है, वचन संहिता 80:7 में, वचन संहिता वाला उसका 80:7 में, आप अपना चेहरा को मुझ पर प्रकाशित कर तब मुझे उद्धार मिलेगा। पढ़ेगा, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हमको झुका क्यों कर दे जब हम
पास्टर के तो काम नहीं, वो तो बोलते रहेगा अलिलियो, ऐसा मन में आता कि नहीं? नहीं आप लोग नहीं, और विश्वासी लोग देखिए, आप लोग अच्छा है, अपने आसपास विश्वासी पुराना विश्वासी को देखिए अभी कैसा हो रहा होगा जिंदगी। जब जितना पुराना होगा उत्तम के जीवन में अंडा क्या पड़ेगी होगा, कितना पुराना होते जाएगा उनका जीवन में अंडा क्या पड़ेगी आपके रहेगा। और वचन सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के चमड़ा भरा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक कुत्ता का कहानी बता कि नहीं, जो है लोहा, लोहा बोलते ना जो लोहा से हाँ वो बढ़ाने वाला चाकू जी को बढ़ाने वाला हाँ लोहा, वो क्या कर दिया, एक रात में जा रहा था एक बहुत अच्छा कुत्ता का बच्चा पप्पी, वो देखा बहुत प्यारा था, उठा कर लेकर दिया, लेकर आके क्या कर दिया अपना पास रख दिया, इनका दुकान में रखा, इधर क्या होगा पूरा मारने का वाला टांग 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 बेचारा वो कुत्ता क्या करता बार बार भाग जाता, ये क्या करे रस्सी लेकर आके कुत्ता का क्या कर दिया बंग में बंद कर दिया, अभी क्या कर दिया पूरा लगा को गर्म किया, लगा का गर्म करने के बाद क्या करेगा अब देखा नहीं, हाँ देखता है लगा का गर्म करके क्या करेगा मारेगा, मारते समय क्या होता है उससे आवाज के साथ साथ चिंगारी निकलता है, अब देखा होगा चिंगारी लाल लाल आग का चिंगारी निकलता है, जब ये मासूम कुत्ता का बच्चा का उसका शरीर में लगता है उसको क्या होता है दर्द होता है, बहुत रोता है बहुत रोता है बहुत रोता है, फिर भी क्या खोल दिया तो भाग जाएगा, इसे खोलता नहीं। अभी वो बच्चा बड़ा हो गया, अभी 7 साल 8 साल हो गया, अभी क्या कर लो मान ली, अभी कुत्ता को मानने की जरूरत नहीं, कुत्ता को खोल दो फिर भी सीधा कहां कर बैठेगा, जहां वो अपन मानता है वहां कर बैठेगा, क्यों है उसका कर्म उतरा वहां मामा करता है, क्यों उनका चमड़ा भी मोटा पूरा चिकन लगता के लगता के लगता के चमड़ा क्या होता चमड़ा, अभी उसी लोगों का मारने का आवाज से चिंतावी कल्ला फर्क चिल्ला आवाज से और चिंगारा से और फर्क नहीं पड़ता, मजा आता है सो जाता है, सब कुछ क्या करता इतना चिल्ला का कल्ला फर्क से भी आगे क्या कर देता होता नहीं होता, क्यों चमड़ा मोटा गया। हालेलुया, एक प्रभु को उपस्थिति उसी वचन संहिता का 19 में भी पढ़कर देख लीजिएगा, वही लिखा प्रभु को उपस्थिति केवल आपको बचा सकता है, प्रचार प्रचार सुन के आप मन पिरा पड़ता है लेकिन प्रभु को उपस्थिति ऑटोमेटिक आपको मन पिरा देगा। हालेलुया, कितना लोग समझ में आ रहा थाली पे जाके 19 में वही लिखा पढ़िए, हे सेनाओं के यहोवा हम तो जो कर क्यों कर दे जो कर क्यों कर दे अच्छा लगता है कितने समय चलते बहुत चला के खास
होता उधर नहीं होता होता कोई ना कोई पाप है, कोई लड़का में, कोई लड़की में, कोई उधर में, इधर में, पैसा में, चोरी में, झूठ बोलने में, कुछ लोग झूठ जान पूछ कर झूठ नहीं बोलता, कुछ लोग जान पूछ कर झूठ नहीं बोलता, उनका आदत से ही झूठ आ जाता। पैदल कहाँ है? अरे अरे आप रास्ता में निकल गया, नहीं पहुंचने वाले हैं। कहाँ है? घर में बैठा सू पहन रहा। फ्रेंड्स लॉर्ड, ये इसी तरह जो भी पाप में आप जीत नहीं पा रहे, कोई नजर नहीं, कोई बुरा विचार नहीं, कोई होटल को भूली नहीं, आप जीत नहीं पा रहे, आपके जीतने का एक टेक्निक है प्रभु का प्रेजेंस। आप प्रभु को उपस्थिति में बैठना सीखिए। मैं बार बार ये बोलता हूं, मस्जिदों का टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा टाइम मिलता टीवी खोल देता है, टीवी बंद होता है लैपटॉप खोल देता है, लैपटॉप बंद होता है मोबाइल खोल देता है, तो कैसा रहा? प्रभु को उपस्थिति में आप कितना बैठेंगे, पाप आपके पास नहीं आएगा, आप पाप खरीद नहीं पाएंगे, आप पाप में गिर गया पड़ गया तुरंत उठ जाएगा, तुरंत उठ जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुअर गंदे को पैर रखा तो क्या करेगा? लेट जाएगा। बाप रे बाप कितना ठंडा है, एसी कूल कूल। वही बिल्ली पैर रखा तो क्या करेगा? तुरंत पैर हटा देगा, हटाएगा कि नहीं? हटा देगा, झाड़ देगा, मुंह साफ कर देगा। इसलिए कुछ विश्वासी क्या है? बिल्ली विश्वासी। कुछ विश्वासी क्या है? सुवर्ण विश्वासी। हालेलुया। मैं आप सब बिल्ली विश्वासी, बिल्ली विश्वासी का अलग करेंगे, बिल्ली विश्वासी का अलग करेंगे। हालेलुया। ये भी इतना धक्का देना पड़ता, थका नहीं आता, नहीं तो भी नहीं। तो क्या करना है? प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का चेहरा, दुनिया को प्रभु का बार में इतना रेवलेशन मिलता है। पहला अध्याय में, पहला वचन में देगा प्रभु का आवाज सुनता, इस वचन में प्रभु का देख लिया, पास मांग लिया, और देख रहा है प्रभु का किंगडम में देख रहा है, और क्या है? क्रांति से उससे चेहरा चेहरा दिखाई देगा, यीशु का चेहरा में दिखाई देगा। आपके जीवन में कुछ भी ना हो, आप कोई चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, लंबा लिस्ट लेकर जाते, लंबा लिस्ट लिस्ट लेकर अच्छा है, हम बुरा नहीं बोले, लेकिन सबसे ज्यादा एक चीज आपके जीवन में, प्रभु मुझे आपको उपस्थिति को महसूस करवा दे, ताकि सब ठीक हो जाएगा। आपका शरीर का प्रॉब्लम, शरीर में कितना दुर्बलता है, शरीर में कितना बीमारियां है, भले ही रोग है, छोटा बीमारी, बड़ा बीमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो भी प्रॉब्लम, जो भी पाप, जो भी गंदगी, जो भी सैतान के अंदर, जो भी कमी नहीं, कुछ चीज का, कुछ चीज का चिंता करने का जरूरत, सिर्फ एक चीज का जरूरत है, वो क्या है? प्रभु का उपस्थिति। कितना चाहते हैं मुझे प्रभु का उपस्थिति चाहिए। जब जब चर्च में आते हैं, बिना प्रभु को उपस्थिति को महसूस करके आप वहां पर जा रहे हैं, आप चर्च में आकर बेकार है। कितना समझ में आता है? क्यों है? आप चर्च में प्रभु से भेंट करने के लिए आया, लेकिन प्रभु का भेंट नहीं। अभी एमएलए को देखने के लिए जाना है, इतना दूर जाके उधर लाइन में खड़ा होने के बाद भी, दो घंटा बैठने के बाद भी, तीन घंटा का बैठने के बाद भी एमएलए को देखना नहीं मिला, कैसा होगा? कैसा होगा? लेकिन जहां पर एमएलए का बाप है, सारे अधिकारी का बाप, सारे अधिकारी का बाप, एक इंसान नहीं, इंसान में परमेश्वर से भेंट करने आते हैं, परमेश्वर से भेंट करने आते हैं। इधर हम लोग पागल लोग नहीं है, पूरा टोल पिटाकर बंदर नचवा रहे हैं, चंग 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 मारे। हालेलुया हालेलुया। हर कहाँ क्या है? ऊंचा सवाल प्रार्थना, एक आपकी प्रार्थना करो, बाकी सब उसके सुन के अमन करो, लेकिन आराधना एक आपने आराधना करो नहीं, हर एक आराधना करना है। प्रभु से मिलना, प्रभु को उपस्थिति को महसूस करना, आप लोग करवाते, आप लोग करवाता नहीं, पहले मैं करना है, मैं प्रभु को उपस्थिति को मैं पहले महसूस करना, मैं खुद
पहले वर्शिप पर पहले वर्शिप करना। और लोग क्या करते हैं, गीत को गीत का इन लोगों को मजा करवाते हैं लेकिन वो खुद आराधना नहीं करते, वैसा नहीं होना। वैसा आराधना से क्या मिलेगा, एक एंजॉय मिलेगा लेकिन पवित्रता नहीं मिलेगा। वर्शिप पर पहले आत्मा में भरना है, वर्शिप पर पहले प्रभु को उपस्थिति से भरना है। आमीन। जैसे हमारे आराधना में प्रभु को उपस्थिति को महसूस करेंगे और कोई चीज का अपना जानने का जरूरत है, सब कुछ आपका आ जाएगा। कितना मेरा जीवन मेरा वो वचन पर आप विश्वास करते हैं। आमीन। सिर्फ पर कोई भी कुछ भी हो, प्रभु उसका उपस्थिति आपके जीवन मान लिया, आप आगे को पाप नहीं करेगा, पाप को नहीं करेगा। पाप करने से पहले यहां पर रेड लाइट मारेगा, साइलेंट बचाएगा, तो कर रहा है पाप। हालेलुया। कई बार प्रभु कल बाजार में प्रभु बात किया मुझसे, मेरा बेटी को बोला, मेरा पति को भी बोला, बाजार में प्रभु बात किया, तुरंत मेरे बेटी को बोला, प्रभु बात करता लेकिन जो हमारे फायदा है उसको हम ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। प्रभु को उपस्थिति आपके जीवन में जो प्रभु चाहेगा, आप एक चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका चिंता प्रभु करेगा, आप सिर्फ चिंता करो मैं प्रभु को उपस्थिति को महसूस करें। आपका शारीरिक अवस्था, आपका परिवार की अवस्था, आपकी जिंदगी, आपकी नौकरी चाकरी, आपके भविष्य, आपके बच्चे, सब प्रभु चिंता करेगा। क्या कौन चिंता करेगा, ये बच्चों को कौन चिंता करता है, ये बच्चा कभी चिंता करता है दुबे को मेरे को कहां से खाना मिलेगा, मारे को कौन कपड़ा देगा, कभी वो बच्चा चिंता करता नहीं, कौन चिंता करता, उसके पापा। यदि सच में उनका बेटा बेटी बन जाएंगे, आपके चिंता मेरा चिंता पर वो करेगा। आज इसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप ये समझिए प्रभु को उपस्थिति केवल मेरे जीवन में, आपका मुंह का चेहरा का ग्रहण मुझ में, आपको ज्ञान मुझ में आगे ना, बाकी सब चीज का। ये बार बार वचन संहिता वाला वचन संहिता में कितना पढ़ेंगे वो बार बार वही आता है। वचन संहिता 119 का 135 वचन संहिता 119 का 135 वहां पर बताता है, आपका प्रमाण मैं सीख लूंगा। वचन को कहां से सीखेगा, बहुत लोग बोलते हैं आपको वचन समझ में नहीं आता है, प्रचार समझ में नहीं आता है, बाइबल का वेद हमको समझ में नहीं आता है, कैसे समझ में आएगा। वचन संहिता वाला लिखा रखा है, आपको उपस्थिति आपको मुंह का चेहरा का खैन मैं सारी व्यवस्था को मुझे सिखा देगा। पढ़ेगा अपने दास पर अपना मुख का प्रकाश चमका दे, अपना दास पर अपना मुख का प्रकाश, अपना मुख का प्रकाश चमका दे, चमका दे दास पर। वचन संहिता वाला लिख रहा है, अपना दास पर आपका मुख का प्रकाश चमका दे, और अपनी विधियां मुझे सिखा, अपना विधियों को मुझे सिखा। मूल्य भाषा में लिखा है, तब मैं आपको विधियों को समझ पाएंगे। भाई आप दिमाग से किताबें बाइबल पढ़ेंगे आपके समझ में नहीं आएगा, जब प्रभु का मुंह का चेहरा आपको चमकेगा आप मूर्ख होगा, अंकुश छाप होगा, आप पढ़ा लिखा नहीं होगा लेकिन वचन आपके समझ में आएगा। किस तरह का समझ में आया है, ताली बजा के देखो, सारी सत्य सुनो, सारी सत्य सुनो, सारी साथी लोग हैरान हो गया, अरे ये तो अनपढ़ लोग है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसी तरह कैसा प्रचार करता। बोला यीशु पढ़ा नहीं समझ में आ रहा मेरे, यीशु स्कूल में गया, कॉन्वेंट में गया, पढ़ाई लिखा किया नहीं, बाइबल में लिखा, मेरा बाइबल में नहीं लिखा, वो पढ़ा लिखा किया है डिग्री, लेकिन पॉल पढ़ा लिखा बाइबल में लिखा, पत्रोस पढ़ा लिखा पत्र समझना चाहता है, उनका जो भी पत्रिका फर्स्ट पेज सेकंड पेज पर कौन लिखा है और कोई लिखा है, कुछ पत्रिका मार्क लिखा है उनका पत्रिका जिसके घर में प्रार्थना हो रहा था प्रेरित। लेकिन जब प्रभु उंगली में लिखने लगा
फरीसी, सारी याचकों, सारी सदिशी को, सारी शास्त्री को वहां ही पत्थर छोड़ के भाग गया। वाह वाह, सब कपड़ों के लिए आया था, रमता लग गया, झुक के निकलना शुरू हो गया। लिखा मेरा परमेश्वर, लिखा सारे बड़ा बड़ा पंडित लोग पत्थर लेकर खड़ा था, याचक लोग पत्थर लेकर खड़ा था, फरीसी लोग पत्थर लेकर खड़ा था, शास्त्री लोग मास्टर डिग्री लिया वो खड़ा था, पौर तीन का मास्टर डिग्री लिया। लेकिन जब यीशु ने निकला सुन किया, एक भी खड़ा हो नहीं पाया। तल्ली बजा कर सुन करा प्रभु को उपस्थिति, प्रभु को उपस्थिति से बच जाएगा। उसके बाद आप वचन को पढ़ेंगे ना, वचन आपको अलग दिखाई देगा। कितना मेरा भाई तुम्हें समझ है, अभी तक आप मास्टर डिग्री लिया, कंप्यूटर पढ़ा, आप बाइबिल पढ़ रहा है, बाइबिल पढ़ सकता है, बाइबिल का सब पढ़ सकता है। हमारा जो बच्चा था ना, क्या चलेगा जो जुदा, कोई कॉम्पिटिशन में तैयार है जुदा का साथ बाइबिल पढ़ने के लिए? बाइबिल जल्दी खोल कर पढ़ने के लिए करा दो, जुदा करा दो, करा दो। इनके साथ कोई कॉम्पिटिशन का तैयार है? मीटिंग में बता गए कौन सा क्लास है? फोर क्लास, चार क्लास पढ़ता बेटा, चार क्लास पढ़ता लड़का, कोई कॉम्पिटिशन में टाइम बता जाइए, प्राइस मिलेगा पक्का। हालेलुया, चार क्लास पढ़ने वाला बच्चा भी बाइबल को पढ़ सकता, लेकिन उसका गुप्त बातों का समझने के लिए प्रभु को उपस्थिति चाहिए, प्रभु को उपस्थिति चाहिए, प्रभु को उपस्थिति सही सब कुछ सीख सकता, प्रभु को उपस्थिति सही सब कुछ सीख सकता, ये प्रचार सब कर सकता। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रेरितों को उपदेश में बनी रहना, किसका किसका प्रेरितों को उपदेश, एक प्रचार ऐसा नहीं आता, बहुत ज्यादा नहीं समझो ना। आप तक ये उपदेश आने के लिए सात जगह पार होता, कितना जगह, कितना जगह मान में कैसा टाइम नहीं है। आपका जो भी प्रचार एक सही सेवक के द्वारा फुलफिल से आता है, आत्मा के द्वारा सात जगह पार होकर आपके पास आता है। पांच मिनट ले लें, दस मिनट ले लें, आधा घंटा ले लें, पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका एक एक पढ़िए, प्रकाशित वाक्य उसका एक एक ध्यान से पढ़िएगा, नोट कीजिएगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों के वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाएं, और अब उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि उसके द्वारा उसका दास यूहन्ना को बताए। कितना लोग समझ में आया? थोड़ा रुक करके पड़ेगा, थोड़ा रुक करके। जो परमेश्वर ने यीशु को दिया, पढ़ो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। कौन दिया पहले? सब बड़े हाथ लगे परमेश्वर ने। किसको दिया? यीशु को दिया परमेश्वर। नंबर वन डालिए अपना कोई भी डेयरी में डाल दीजिए, अपनी मैसेज का सारे पास नंबर परमेश्वर से। नंबर टू यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह किसको दिया? कि अपने दासों को वे बताएं। नहीं, ऊपर से पढ़ो। यीशु मसीह दूतों को भेज गया। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बताएं जिसका शीघ्र होना आवश्यक है, और अपने स्वर्गदूत को भेजकर। स्वर्गदूत को भेजकर, अब यीशु क्या कर दिया? स्वर्गदूत को भेज गए। ये बाइबल किसमें स्वर्ग दूतों का द्वारा व्यवस्था पाया, लेकिन अन्ना जगह नहीं
स्टेफनस। इसको ताली मिले। स्टेफनस बोला, ये वचन ऐसा नहीं है, इसके अंदर इतना डिप दिया, कभी टाइम भी लगा, समय निकाल के देते थे। एक एक अक्षर आपका आप तक कैसा है, एक पचास के साथ खले लिया परमेश्वर यीशु को दिया। यीशु क्या दिया? स्वर्ग दूत को दिया। स्वर्ग दूत क्या दिया? कि अपने दासों को भी बातें जिसका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। उसके बाद नीचे लिखा है, और उसे अपने स्वर्ग दूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास योहन्ना को बताया। अपना दास योहन्ना को बताया, किसको? प्रेरित को। नंबर वन पिता परमेश्वर, नंबर टू यीशु मसीह, नंबर थ्री स्वर्गदूत, नंबर चार प्रेरित। प्रेरित के पास आने के बाद प्रेरित को क्या बोल रहा है? जॉन को क्या बोल रहा है? जिसने ना कलीसिया का दूध का ये लेख लिखा, पढ़ो। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा और उसकी गवाही दी। दो का एक एफेसस के कलीसिया के दूत को यह लिख। अब योहन्ना को क्या लिख रहा है? योहन्ना को बताना तो किसको देना है? बोले कलीसिया का दूत कौन है? पास्टर। तो पिता परमेश्वर, यीशु, स्वर्गदूत, प्रेरित और कलीसिया का दूत को। हालेलुया। तो कलीसिया का दूत का द्वारा कौन बात करेगा? पवित्र आत्मा। जिसका कान वो सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या बात करता है, समझ में आया? हालेलुया। चेन लिस्ट में कौन आ गया? सातवां लिस्ट में कौन आया? तो एक मैसेज कितना दूर पारों के आना की नहीं, चाहे इसके समझाने के लिए और एक बार टाइम मिलेगा तो आप जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आपका जीवन में कुछ नहीं हो। जो भी चीज है प्रभु का उपस्थित देखो, महसूस करना, प्रभु को देखना है। कितना चाहते हैं प्रभु का देखते समय आपको पाप से क्षमा मिलेगा, प्रभु का चेहरा देखते समय आपको उद्धार मिलेगा, प्रभु का चेहरा देखते समय आपको वचन की गहराई समझ पाएगा, प्रभु का चेहरा से आपका मुंह चिकना हो जाएगा, ये बोलेगा जल्दी मरेगा, क्योंकि सब करते ये चाहत है। आपको तो दस सुंदर कम बना, कम दिखाई दे, क्या दिखाई दे रहा? अब हम नहीं चाहते, चाहते ब्रदर हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं। आप कहीं तक मर रहे तक प्रभु के हिम्मत के साथ दौड़ना है, सुन समझना, बिना जवान के साथ कोई प्रचार करना, अभी अध्याय नहीं रहना है। हालेलुया। ये सब क्या करेगा? ये प्रशंसा का वही परमेश्वर, गुस्सा का परमेश्वर, वही परमेश्वर धन्य का परमेश्वर, वही परमेश्वर निर्मुगत जब को तुम्हारा उसका मुंह का चेहरा तो क्या कर दिया? राजा बनवाने का वो चेहरा में बदल के लेकर दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा प्रभु अपना काम करने वाला अपना दासों को वो प्रकाशित करवाता है, बिना लेकर पढ़ सकता है और प्रकाशित था कि उसका 22 का 4 प्रकाशित रखे उसका 22 का 4 और मैं उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। मैं उसको वे उसका मुंह देखेंगे, वे यीशु का परमेश्वर का मुंह देखेंगे, वे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा उसके माथा पर लिखा रहेगा। कितना अच्छा है प्रभु का मुंह मेरे ऊपर चिपका, उसके लिए मैं क्या करना है? मूसा का तरह ऊर्जा पकड़ कर लोगों में सारी दुनिया को छोड़कर, दुनिया के लोगों को छोड़कर, दुनिया की रीति रिवाज को छोड़कर, दुनिया की मनोरंजन को छोड़कर, दुनिया की दोस्ती, दुनिया का फैशन सब कुछ छोड़ के प्रभु के साथ बैठने का अनुभव चाहिए। हमें प्रभु के साथ बैठने का अनुभव चाहिए। डैनियल का तरह एक डेडिकेशन चाहिए। इस संसार का भोजन वस्तु से मैं अपने आपको अशुद्ध नहीं करना है, मैं जिंदगी भर मैं प्रभु को बनी रहना है, मेरा माँ बाप मुझे नहीं देख रहा है,
मेरा प्रतिपा मुझे नहीं देख रहा है, मेरा रिश्तेदार मुझे नहीं देख रहा है, मैं बाबिलोन में चल गया, चलो बाबिलोन के अनुसार हम रहेंगे, नहीं हम बाबिलोन में रहेंगे, लेकिन बाबिलोन मेरे अंदर में नहीं रह रहा है। उसका मुंह चमकना शुरू हो गया। ऐसा धान्य तो चाहिए, दानियल को सारी बाबिलोन मिलकर बदला नहीं सकता, लेकिन दानियल बाबिलोन को बदला ये दानियल राजा से लेकर नीचे तक सारी बाबिलोन को यीशु का पैरों पर लेकर गिरा दिया। एक सप्ताह की मैसा अभित्य को सारी बाबिलोन उस दिन का जाना गया सृष्टि सिक्स देश को जीवित परमेश्वर के पास लेकर आया सारी देश के लिए चिट्ठी गया। दानियल छात्रा मैसा अभित्य को दानियल का परमेश्वर ही केवल परमेश्वर उनका विरोध से भरा हुआ है, कितना भी भू और दुनियादारी की ओर से संसद से
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तू।